प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर इंडोनेशिया में भारत के राजदूत मनोज के भारती से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने। एम्बेसडर मनोज कुमार भारती, दूरदर्शन समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं सोमवार शाम को। प्रधानमंत्री प्राइमरीली G20 समिट में भाग लेने आ रहे हैं, कि इस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है ये प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया का ये दौरा? सबसे पहली बात, हम इस बात को ध्यान में रखें कि भारत ने इंडोनेशिया के G20 प्रेसिडेंसी को बहुत दृढ़ सपोर्ट दिया है। ये बहुत मुश्किल दौरा था जिसमें इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी होनी थी, और भारतीय सहायता और सपोर्ट को इंडोनेशिया की सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया है और इसको एक्नॉलेज किया है। चूंकि भारत इंडोनेशिया से ये प्रेसिडेंसी लेगा, इसलिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का इंडोनेशिया का दौरा और स्पेशली G20 के लिए बाली का दौरा बहुत ही उल्लेखनीय हो जाता है। भारत ने कुछ दिन पहले ही जो अपनी प्रेसिडेंसी का लोगो लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री के लिए यह भी एक अवसर होगा कि उसके बारे में पूरी दुनिया को, G20 के देशों को बता सकें। इस बात का संकेत पूरे विश्व को देना चाहेंगे कि भारत अपनी वैश्विक विचारधारा को, अपने पुराने वैचारिक फिलॉसफीज से जोड़ कर देखना चाहता है। इसलिए भी जो मूल मंत्र बनाया गया है हमारी प्रेसिडेंसी का, वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। भारत ये बताना चाहता है कि जब हम अपनी प्रगति चाहते हैं तो हम विश्व की प्रगति को हमेशा ध्यान में रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम दुनिया को इसके बारे में बताएं कि हमारी प्रेसिडेंसी का जो मोटो है वो है वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर। अम्बेसडर भारती, G20 में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री जो यहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, उसके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे G20 समिट मीटिंग के लिए आ रहे हैं, इसीलिए बहुत ही कम समय के लिए वो यहाँ हैं, लेकिन फिर भी इस छोटे समय में भी उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मिलना अपना एक प्रोग्राम का हिस्सा रखा है। यह देखकर यहाँ का भारतीय समुदाय और भारतीय मूल का समुदाय बहुत उत्साहित है। पूरे इंडोनेशिया में इस बात की बहुत अच्छी जानकारी है कि भारत की साख विश्व में पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी है। भारत की अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार आया है। इन सब के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और उनके इफेक्टिव कार्यान्वयन का बहुत बड़ा रोल है, जिसे सब यहाँ जानते हैं।